ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। सो गाइस जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि भाई आने वाला यार फ्रैंकलिन का बर्थडे, और भाई उसके बर्थडे के लिए यार हम उसे एक प्रेजेंट देने वाले हैं, सरप्राइज देने वाले हैं। और गाइस मतलब यार कुछ दिनों से मुझे पता चला कि भाई एक नई कार आई है जिसका नाम है लाइकन हाइपर स्पोर्ट, और भाई अब तक लॉस सैंटोस में यार किसी भी बंदे के पास वो वाली कार नहीं है, क्योंकि जो उसका प्राइस यार बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और जो भाई उस लाइकन हाइपर स्पोर्ट्स का जो कार का प्राइस है वो लगभग 4 या 5 मिलियन के अराउंड है। तो मतलब सोच सकते हो इतनी महंगी कार, प्लस यार लॉस सैंटोस में किसी के पास नहीं है, बट यार माइकल जो है अफोर्ड कर सकता है इस वाली कार को। और तुम्हें पता है कि जो भाई फ्रैंकलिन इसका बेस्ट फ्रेंड है, तो भाई उसके बर्थडे प्रेजेंट के लिए हम जाने वाला है लाइकन हाइपर स्पोर्ट्स कार को खरीदने, ठीक है, जो कि यार बहुत ही यार नेक्स्ट लेवल की है। और उसकी स्पीड और जो भाई लुक है ना यार, कसम से यार मैं खुद उसका फ़ैन हो गया था। बट यार कोई नहीं भाई, वो हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, ठीक है। बट अभी तुम्हें पता ही होगा, अगर तुमने मेरा पुराना एपिसोड देखा होगा तो यार वहाँ पे यार एक टेक्नो गेमर्स का शो होने वाला था YTF की तरफ से। और गाइस उस वाली वीडियो में यार हमने चुराया था उनकी कार चुराई थी हमने, जिसका नाम है लंबोर्गिनी सियान। तुम बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है, वैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। और गाइस इसी कार से यार आज हम जाने वाले हैं लाइकन हाइपर स्पोर्ट कार को खरीदने, जो कि यार बहुत ही यार नेक्स्ट लेवल की है। बट यार लैम्बोर्गिनी सियान की जो बात है ना यार, वो थोड़ी अलग सी है। मतलब लुक देख सकते हो, मतलब लैम्बोर्गिनी यार नाम में ही इतनी, मतलब क्या ही बताओ यार, क्रेज है, ठीक है। और भाई अब तक लॉस सैंटोस पे यार ये कार किसी के पास भी नहीं है, लैम्बोर्गिनी सियान और लाइकन हाइपर स्पोर्ट्स पूरे लॉस सैंटोस में। तो मतलब सोच सकते हो भाई, माइकल और फ्रैंकलिन मतलब ऐसे बंदे हैं जिन पे यार सुपर कार का तो ढेर ही है, और पैसों के तो पूछो भाई, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तुम मौसम देख ही सकते हो, कुछ इस तरह का हो रहा है, ठीक ठाक मौसम हो रहा है। वैसे गर्मी बहुत बढ़ रही है, ठीक है, और कोरोना वायरस के भाई केसेस भी आ रहे हैं लॉस सैंटोस में, तो आप बच के ही रहो, ठीक है। अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो तो मास्क लगा कर रखना, ठीक है, और जो पॉपुलेटेड एरिया उन्हें जाने से अवॉइड करना, ठीक है। तो गाइस फिलहाल तो यार सबसे पहले जाने के लिए यार हमें चलना होगा बैंक, क्योंकि यार वहाँ से मैं थोड़े पैसे उठाता हूँ, ठीक है, थोड़े अपने पैसे लेता हूँ, और फिर हम जाएंगे कार के शोरूम में और वहाँ से हम खरीदेंगे लाइकन हाइपर स्पोर्ट कार को, ठीक है। तो चलो जल्दी से हम चलते हैं यार बैंक में, ठीक है, मेज बैंक में, और वहाँ से अपना अकाउंट चेक करते हैं, ठीक है, कितने पैसे। वैसे पैसे तो बहुत हैं, उप्स यार, मतलब वैसे मैं तुम्हें बता दिया, जो मेरी कार है ये बुलेट प्रूफ है, ठीक है, एंटी बुलेट प्रूफ है, तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठुकते भी है, बट यार अगर थोड़ा सा भी अगर डैमेज होता तो यार दुख बहुत होता है। मतलब इतनी महंगी कार है, और अगर हल्का सा भी डेंट आ जाता है इस कार में तो भाई मतलब इसको बनवाने में ना, मतलब भाई पूरी यार आधी मेरी सैलरी चली जाएगी, ठीक है। तो चलो फिलहाल तो हम अभी चलते हैं बैंक की ओर, ठीक है। भाई हर जगह ट्रैफिक लगा रखा है, मतलब। तो गाइस चलते चलते बस हम आ ही चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा मेज बैंक जो है ये रहा, ठीक है। और अगर यार भाई मैं तुम्हें बता दूँ, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर तुम यार ऐसी डेली वीडियोस देखना चाहते हो, सीरीज़ देखना चाहते हो GTA 5 की, तो यार मेक श्योर सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है। तो बस ये रहा हमारा मेज बैंक। और गाइस अब हमें जल्दी जल्दी यार अपनी कार को पार्क करते हैं और बैंक के अंदर चलते हैं, ठीक है। वैसे यार यहाँ पे मुझे कोई पार्किंग का तो सीन दिख नहीं रहा, ठीक है, बट अभी हमें पार्क तो अपनी कार करनी पड़ेगी यार, मतलब इतनी महंगी कार है, ठीक है, हाईली कॉस्ट कार है यार, ऐसी ऐसी जगह तो मैं पार्क कर सकता नहीं हूँ, ठीक है, तो शायद यहाँ कहीं मैं पार्क कर दूँ। सो गाइस बातचीत करते यार, यहाँ पे तुम्हारे भाई ने फाइनली पार्किंग ढूंढ ली, और गाइस यहाँ पे यार मुझे भाई $15 पे करने पड़े हैं इस पार्किंग अलॉट के लिए, ठीक है, वो भी बस 5 से 10 मिनट का काम है, मुझे बैंक के अंदर जाना और भाई पैसे लेकर आने। और गाइस यहाँ पे तो माइकल का हाल देख सकते हो, पता नहीं इसे चोट कहाँ से लग गई, ठीक है, बट अभी हमारी लंबोर्गिनी सियान फिलहाल पूरी सेफ है, ठीक है, और हम चलते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, और जल्दी हम चलते हैं। और गाइस यार यहाँ पे मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि मतलब भाई फ्रैंकलिन के लिए हम भाई प्रेजेंट देने वाले, वो भी उसे बिना बताओ, और भाई उसकी फेवरेट लाइकन हाइपर स्पोर्ट कार, मतलब भाई जो फ्रैंकलिन है भाई उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। मतलब इतनी महंगी कार अभी तक लॉस सैंटोस में किसी भी बंदे के पास नहीं, ना किसी सेलिब्रिटी के पास, तो मतलब सोच सकते हो कितनी बड़ी बात होने वाली है फ्रैंकलिन के लिए और मेरे लिए भी, ठीक है। तो फिलहाल तो इसका एंट्रेंस हम ढूंढते हैं, आगे की तरफ है शायद। सो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं यार अपने मेज बैंक की तरफ, यहाँ पे देख सकते हो भाई, मतलब मेज बैंक की यार बिल्डिंग कितनी ऊपर है, मतलब भाई ऊपर हम देख भी नहीं सकते, इतनी ऊंची है, ठीक है। तो चलो यार भाई लोग अभी हम फिलहाल चलते हैं मेज बैंक के अंदर, ठीक है, और देखते हैं क्या यहाँ पे सीन हो रखा है, ठीक है।
और गैस पूरे यार यहाँ पे मुझे भाई 20 से 30 मिनट लग गए यार। मुझे लग रहा था 5 से 10 मिनट में काम हो जाएगा, बट यार यहाँ पे आके पता चला कि भाई बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ये वो मतलब फलाने वाले जो बैंक की चीज़ें होती हैं वो सारी करनी पड़ेंगी, बट यार वो सक्सेसफुली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और गैस यहाँ पे यार हमने अपने बैंक अकाउंट आई मीन बैंक के कार्ड में यहाँ पे 6 मिलियन ट्रांसफ़र करवा लिए हैं, और जो लाइकन हाइपर स्पोर्ट्स का जो प्राइस है वो 4 या तो 5 मिलियन के अराउंड है, वो तो अब जाके ही पता लगेगा। ठीक है, तो अब पैसे का तो हमने बंदोबस्त कर लिया, अब चलो हम जल्दी चलते हैं यार अपने शोरूम में और जाके वहाँ पे देखते हैं कि भाई असल में लाइकन हाइपर स्पोर्ट दिखती कैसी है। ठीक है, वैसे मैंने इंटरनेट पर उसके बहुत सारे इमेजेस देख लिए थे, वो पहले से इतनी औसम लग रही थी, बट यार अब मतलब पैसे भी और खरीदने ही वाले, तो मतलब तुम सोच सकते हो जो एक्साइटमेंट है मेरी मतलब नेक्स्ट लेवल पे होने वाली। ठीक है, तो अब जल्दी से जल्दी चलते हैं अपने लैम्बोर्गिनी सियान के पास, ठीक है, और से बाहर निकालते हैं और वहाँ से तुरंत जाने वाले हैं अपने शोरूम में। ठीक है, जो शोरूम है गाइस वो भी मेरे दोस्त का है, ठीक है, फ्रैंकलिन के दोस्त का है, और वहीं पे हम जाने वाले हैं, वहीं से हम खरीदेंगे लाइकन हाइपर स्पोर्ट्स का। ठीक है, तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट करें हम जल्दी चलते हैं कार के पास। तो गाइस ये रही हमारी लैम्बोर्गिनी सियान, और गाइस यहाँ पे मैंने कार भाई पार्क करने के लिए सिर्फ $15 दिए थे। ठीक है, और मतलब एक बार भाई कार तो यार चेक मैं करूँगा, इंस्पेक्शन करूँगा, कि मतलब $15 यार देखो कम नहीं होते सिर्फ कार पार्किंग के लिए, वो भी सिर्फ 20 से 30 मिनट के। ठीक है, तो सबसे पहले चेकआउट करते कि भाई हमारी कार को कुछ डैमेज तो नहीं है या तो कोई निशान विशान, मतलब भाई अगर आ गया हो तो भाई मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ठीक है, ओके, वैसे कार तो यार हमारी पूरी सही लग रही है, ठीक है, ओके लग रही है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट गवाए अब हम चलते अपने यार दोस्त के शोरूम के ऊपर, और वहाँ से हम माइकल का आई मीन फ्रैंकलिन का जो प्रेजेंट है लाइकन हाइपर स्पोर्ट कार वो हम खरीदने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब भाई हम जल्दी से यार भगाते भगाते अपने चलते हैं शोरूम के पास। और गाइस आधे घंटे की ड्राइविंग करते करते यार फाइनली जो तुम्हारा भाई यार आ चुका है यार अपने दोस्त के शोरूम के ऊपर। ठीक है, मतलब जो माइकल का दोस्त था उसका शोरूम गाइस ये रहा, और देख सकते हो गाइस पहले यार दिन हो रही थी, और गाइस यहाँ पे जो सूरज है ढलने वाला, मतलब टाइम यार आज का दिन यार मतलब इतना छोटा रहा कि मतलब टाइम का कुछ पता ही नहीं चला कि भाई टाइम कहाँ कहाँ बीत गया। ठीक है, तो गाइस चलो यार सबसे पहले अपनी कार को पार्क कर देते हैं। ठीक है, ओके, और यहाँ पे तो यार सबसे पहले अपनी कार पार्क करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को लगाने वाला हूँ। ठीक है, ये मुझे सबसे परफेक्ट जगह मिले क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो कार का नुकसान होगा आई मीन जो थोड़े ठंड वेंट लगा के चले जाते हैं लोग वो यहाँ पे लगने के चांसेस भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब चलो यार अभी हम चलते हैं दोस्त के शोरूम के पास। ठीक है, ओके यार शोरूम से यार वैसे बहुत ही तगड़ा बनवा रखा है, और भाई मतलब सोच सकते हो पूरे लॉस सेंटोस में यार बहुत सारे शोरूम्स हैं, बट यार उनमें से सबसे हट के ये शोरूम है। पहली बात तो यार बीच के पास है, और यार इतनी मतलब भाई प्राइसलेस मतलब सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव कार जो कि अभी लॉस सेंटोस में किसी के पास नहीं है वो भाई इस वाले शोरूम में है। ठीक है, और जो उसका दोस्त है वो भाई माइकल का फ्रेंड है, तो सोच सकते हो बहुत ही बड़ी बात ये है। ठीक है, और गाइस लिटरली यार यहाँ पे तुम एंट्रेंस पे ही देख सकते हो कितनी सारी कार्स यहाँ पे पहले से ही खड़ी करी गई हैं। ओ भाई मतलब लिटरली यार, ओ भाई मतलब सारी तुम्हें यहाँ पे कार मिल जाएंगी, चाहे वो सुपर कार हो चाहे SUVs हो। ठीक है, मतलब भाई A to Z सारी कार्स हो भाई, एस्टन मार्टिन, रोल्स रॉयल्स, बुगाटी वेरियन हो भाई। तो चलो अभी हम स्टाफ से बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई लाइकन हाइपर स्पोर्ट आके है कहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ कार की डील चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे इससे पूछते हैं, हेलो कैन आई कम इन, ओके। तो यार इसने मुझे बताया कि भाई जैक पीछे की साइड कहीं बैठा हुआ है, तो अभी चलो हम ढूंढते हैं जैक आखिर कहाँ पे है। ठीक है, और गाइस तब तक यार तुम देख सकते हो भाई कितनी सारी यहाँ पे ओसम कार्स यहाँ पे खड़ी हैं, और गाइस यहाँ पे कस्टमाइज कार भी तुम्हें आधी मिल जाएंगी, और गाइस यहाँ पे रोल्स रॉयल्स हो भाई, मतलब लिटरली यार यहाँ पे लेने क्या आया था, और यहाँ पे कितनी सारी सुपर कार्स यहाँ पे दिख रही हैं। ओ भाई लिटरली यार यहाँ पे जो सारी चाहे वो रेस की कार हो, F1 रेस, फॉर्मूला, सारी कार तुम्हें देखने में मिल जाएगी। ओ भाई लैम्बोर्गिनी, डेवल 16, पोर्शे, ओ भाई, और गाइस लिटरली यहाँ पे यार जैक हमारा दोस्त यार यहाँ पे बैठा हुआ है। ओ भाई, ओ भाई, तो चलो अभी हम बात करते हैं फिलहाल। ठीक है, और पूछते हैं कि भाई लाइकन हाइपर स्पोर्ट्स ने कहाँ पे रखी है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे यार जो जैक बता रहा है कि भाई जो अभी लाइकन हाइपर स्पोर्ट है वो यार अभी ऊपर वाले फ्लोर में है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो यार यहाँ पे हम सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रेडी करवा रहे हैं, तब तक जो लाइकन हमारे स्पोर्ट्स है वहाँ पे थोड़ी कस्टमाइज करी जा रही है। ठीक है, तो चलो अभी हम फिलहाल यार जैक को अभी हम बाय करते हैं और ऊपर की तरफ जाके देखते हैं कि भाई वहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे काम चल रहे हैं। ठीक है, तो रेडी भी हो चुके होंगे क्योंकि भाई अब तक 10 मिनट हमें बात करते हो चुके हैं। ठीक है,
और डॉक्यूमेंट्स भी बस हमारे पूरे रेडी हो चुके हैं, बस हमें कार को जाना है, देखना है और बस भाई जो डील है उसे क्लोज करनी है, ठीक है। तो चलो यार जल्दी की तरफ जाते हैं और देखते हैं हमारी लाइकन हाइपर स्पोर्ट्स कार को, ठीक है। तो गाइस चलो यार अब ऊपर की तरफ देखते हैं कि भाई लाइकन कार कहाँ पर रखी गई है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे लिटरली तुम देख सकते हो यार कितनी सारी यहाँ पे सुपर कार खड़ी करी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे यार यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन का काम होता है यहाँ पे होता हो खे, मतलब यार जो जैक का शोरूम यार बहुत यार औसम है, ठीक है। और यहाँ पे जो जितनी भी यार लेटेस्ट कार आती हैं, ठीक है, मतलब न्यू लॉन्च कार आती हैं भाई पूरे लॉस सैंटोस में सबसे पहले जैक के शोरूम पे आती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें भी कभी कार खरीदनी होगी लॉस सैंटोस में तो भाई जैक के शोरूम पे एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। बस सारी यहाँ पे तुम्हें सुपर कार्स मिल जाएंगी। और गाइस यहाँ पे ओ भाई ये कौन सी कार खड़ी है, ओह भाई साहब, तो गाइस यही वो कार है जिस कार की मैं बात कर रहा था, लाइकन हाइपर स्पोर्ट। ओ भाई वो देख सकते हो कितना ज़्यादा यार डेविल लुक इस वाली कार का है। और गाइस सबसे अच्छी मुझे इस बात की है, मतलब इस कार की ये बात लगी भाई इसका जो ये वाला कलर गाइस ये सिर्फ एक एडिशन में बनाया गया था, सिर्फ रेड एंड ब्लैक में, जो कि जैक के पास अवेलेबल था, ठीक है, पूरे लॉस सैंटोस में। ओ भाई मतलब देख सकते हो कितनी ज़्यादा औसम ये कार है, ठीक है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, तो सबसे पहले इसका हम टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, ठीक है। जब तक हमारी जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट्स वॉक्यूमेंट सब तक रेडी होता है तब तक इसका हम टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, और मैंने परमिशन भी ले लिया है टेस्ट ड्राइव के, ठीक है। ओ भाई इसकी स्पीड लिटरली यार तुम देख सकते हो बहुत ही यार यार नेक्स्ट लेवल की इसकी स्पीड है, मतलब यार हल्का सा भाई एक्सीलेटर दबाती जो कार यार पूरी भग रही है। ओ भाई और भाई तुम आवाज़ सुन सकते हो, ओ भाई 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 यार बहुत ही ज़्यादा यार मतलब इसकी यार रोर की आवाज आ रही है। ओ भाई यार मतलब भाई पूरी नेक्स्ट लेवल की यार, एक मतलब एक बार कर लैम्बोर्गिनी सियान भी इसके सामने कुछ नहीं लगेगी, बट यार जो लैम्बोर्गिनी सियान है उसकी यार बात ही अलग है, ठीक है। बट यार ये भी कम उससे नहीं है, ठीक है। लाइकन भी बहुत ही अच्छी कार्स बनाती है, ठीक है। ओ भाई तो चलो यार अभी हम बाहर की तरफ चलते हैं और इसकी थोड़े स्पीड टेस्ट करते हैं, ठीक है। ओके ओ भाई ये भी डर गई यार, कौन सी कार है ये। ओ भाई पब्लिक रिएक्शन देख रहा, मतलब देखते यार यहाँ पे लोग कहेंगे भाई कौन सी कार उठा लाए। ओ भाई देख रहे, मतलब बंदे भी कह रहे हैं यार दैट कार वॉज अ बॉम्ब। ओके और गाइस लिटरली यहाँ पे 2 से 3 सेकंड यार एक्सीलेटर पे हाथ रखती भाई जो स्पीड है यार 40 के प्लस पहुँच जा रही है, ठीक है। ओके और गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई 100 की स्पीड तो बस हमने कुछ सेकंड में छू ली, और भाई इसकी जो कंट्रोल्स है यार बहुत ही यार स्मूथ है, ठीक है। ओ भाई मैंने क्रैश भी कर दी, बट यार ये जो कार है यार यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बता दी, जो कार यार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, तो यार इसको हल्का सा भी डेंट नहीं आने वाला। जब बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होगा वैसे भी तो नहीं होने वाला, ठीक है, तभी आ सकता है, वरना छोटे मोटे डेंट इस पर कुछ असर नहीं करने वाला, ठीक है। क्योंकि यार ये जो कार है यार पूरी मेटलिक है, ठीक है, पूरी बुलेट प्रूफ है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होने वाली। ओ भाई इसकी आवाज़ सुन सकते हो और पूरे उसमें घूज रही है, ठीक है। सारी कार एक तरफ रख दो और इस कार को एक तरफ रख दो, मतलब भाई अलग ही यार मतलब नेक्स्ट लेवल की ये वाली कार है। और गाइस यहाँ पे हम पूरी यार यहाँ पे रेस टच करवाने वाले हैं, ठीक है, स्पीड। ओ भाई आराम से भाई यार बहुत यार नेक्स्ट लेवल की वाली कार है कसम से यार। ओके तो चलो यार वैसे सरप्राइज तो हमने ले लिया यार, बहुत ही ज़्यादा तेजी वाली कार है। और गाइस सबसे अच्छी मुझे इस कार की ये वाली बात लगी यार, इसका सबसे पहले जो लुक है ये देख सकते हो भाई यार, सबसे अलग ही लुक इस वाली कार का आ रहा है, ठीक है। और इसका कलर, ओ भाई स्पीड, मतलब हर चीज़ में ये वाली कार बेस्ट है, चाहे स्पीड हो लुक हो, ठीक है, ओवरऑल सारी चीज़ मुझे इस कार की अच्छी लगी। तो चलो अब इस वाली कार की डील जो है वो ख़त्म करने की बारी आ चुकी है, ठीक है, डील डन करने की बार आ चुकी है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं शोरूम के अंदर और वहाँ पे डील डन करते हैं। ओ भाई बहुत ही तेज चल रही है, बहुत ही तेज। और यहाँ पे मैं इस वाली कार को पार कर देता हूँ तब तक, ठीक है, भी हमारी कार पूरी तरह से हमारी हो चुकी है। तो गाइस सबसे पहले हमने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है।
सो गाइस फाइनली यार यहाँ पे यार जो हमारा पेमेंट था यार पूरा मैंने दे दिया, मतलब पूरे कट के हमारे यार 4.50 मिलियन डॉलर यहाँ पे कटे हैं, ठीक है। 4.50 डॉलर मैंने पे करे हैं लाइकन हाइपर स्पोर्ट कार के लिए, ठीक है। और सबसे पहले हम भाई जैक को थैंक यू बोल देते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ये भाई सारी चीज़ें हुई हैं। बट यार जैक कहाँ पे गायब है पता नहीं भाई, वो बंदा कहाँ पे ही चलाएगा, कोई नहीं, मैं उसको कॉल करके बोल दूंगा बाद में। तो गाइस फाइनली यार जो हमारी यार यहाँ पे कार थी, जिस कार को हम खरीदने आए थे फ्रैंकलिन के बर्थडे प्रेजेंट के लिए, लाइकन हाइपर स्पोर्ट्स कार यार पूरी तरह से हमारी हो चुकी है, ठीक है। तो चलो यार अब जल्दी से चलते हैं हम लॉस सैंटोस, ठीक है। और जब तक यार माइकल का अभी बर्थडे में यार थोड़े दिन रह रहे हैं, ठीक है, मतलब अभी 2 से 3 हफ्ते बाद उसका बर्थडे है, ठीक है, तब तक ये जो कार है यार मैं अपने गैराज में पार्क करने वाला हूँ लैम्बोर्गिनी सियान के साथ, ठीक है। और गाइस जो हमारी लैम्बोर्गिनी सियान यहाँ पे मैंने पार्क करी थी यार, यहाँ पे मैंने अपने जो मेरा बॉडीगार्ड था मैंने उसे कॉल करके बोल दिया और भाई उसने हमारी कार हमारे गैराज में पार्क कर दी है, ठीक है। तो यार अब भाई बिना किसी देरी करे यार जल्दी चलते हैं माइकल के घर और वहाँ पे माइकल के गैराज में उस वाली कार को पार्क करते हैं, ठीक है, क्योंकि यार बर्थडे प्रेजेंट हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो भी फ्रैंकलिन का, ठीक है। बट यार ये जो कार है यार भाई सारे बंदों का यार माइंड ब्लो करने वाली है, ठीक है। तो चलो यार बिना किसी देरी करे हम चलते हैं यार माइकल के गैराज में, ठीक है। सो गाइस आधे घंटे की ड्राइविंग करते करते यार यहाँ पे तुम मौसम देख सकते हो, सूरज बस ढलने वाला, रात होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली यार हम अपने माइकल के घर पहुँच चुके हैं, ठीक है। और गाइस यहाँ पे सारे लोग देख के भाई मतलब भाई कहेंगे यार कहाँ से यार ये वाली कार ले आया माइकल, ठीक है। बट यार फाइनली यार यहाँ पे हमें मिल चुकी है लाइकन हाइपर स्पोर्ट कार, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम पार करते हैं आराम से, ठीक है। ओ भाई यार मतलब भाई गली में चलाने से यार बहुत यार यहाँ पे थोड़ा कॉम्पैक्ट सा हो जाता है, ठीक है। ओ भाई और यार पता नहीं यार किसने यार यहाँ पे अपनी कार पार्क कर दी, ठीक है, वो तो मैं अंदर जाके पता करता हूँ। बट फिलहाल मैं अपनी लाइकन हाइपर स्पोर्ट कार को यार यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, ठीक है, गैराज के अंदर, ताकि किसी को पता ना लग पे ना लग सके, ठीक है। और गलती से फ्रैंकलिन आता भी है तो उसे पता नहीं लगेगा, वो वैसे बेसिकली यार वो कभी गैराज तो चेकआउट करता नहीं है, ठीक है। तो अभी हम अपनी कार को इधर पार्क कर देते हैं, ठीक है। ओ भाई मतलब यार कार की बार साउंड सुनो, तुम कार की बार साउंड सुनो। ओप्स ओ भाई ओ भाई ओ भाई यार क्या ही डेविल लुक सामने से दिख रहा है, देख सकते हो मतलब कार का। ओ भाई तो चलो बस आज का हमारा दिन यार इसी में पूरा निकल गया, ठीक है, फ्रैंकलिन के बर्थडे प्रेजेंट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो यार कार का मतलब क्या ही लुक आ रहा है, ठीक है। तो चलो अभी हम बाहर की तरफ चलते हैं। ओके तो यार फाइनली यार यहाँ पे जब ने भाई फ्रैंकलिन का बर्थडे प्रेजेंट था हमने खरीद लिया है, ठीक है। बस थोड़े दिन बाद यार उसका बर्थडे आने वाला है, था और उसके ऊपर भी तुम्हें वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो बस मेरे भाई लोग आज की तड़ी अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो कर दो लाइक, एंड चैनल पर नए हो तुमने तो सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि तुम्हारे भाई के चैनल पर जीडे से रिलेटेड रोज़ वीडियोज़ आती रहती हैं और भाई बाकी सारे गेम्स के ऊपर भी सीरीज़ आती रहती हैं। सो यार मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ठीक है। और अगर तुम भाई फ्रैंकलिन का बर्थडे की भी वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो बस आज की वीडियो तक, ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।